खबर यूपी के चंदौली जनपद के डीडीयू नगर से एडीजी असीम अरुण ने मुगल सराय थाने के निरीक्षण के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके रहने व भोजन की व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और उनसे जुड़ी समस्याओं से भी रूबरू हुए। बता दें कि एडीजी ने मुगल सराय कोतवाली बैरक में पुलिस कर्मियों के सोने के इंतजाम व बैरक में उनके भोजन की अच्छी गुणवत्ता पर ज्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही पुलिस की मेस हाईटेक हो जाएगी, हालांकि बाकी जगहों पर हो चुकी है लेकिन किन्हीं कारणवश यहां नहीं हो पाया है। अति शीघ्र कर दिया जाएगा क्योंकि जो पुलिसकर्मी घर बार छोड़कर दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं उन्हें ड्यूटी के बाद अगर विश्राम और भोजन ठीक से नहीं मिले तो उन्हें शारीरिक और मानसिक दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए शासन की तरफ से अति शीघ्र व्यवस्था कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान पब्लिक मीटिंग भी की गई है जहां नगर के लोगों द्वारा किए गए शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि कटवाली में जाने से डर लगता है। एडीजी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पुलिस द्वारा की गलतियों को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ में चंदौली पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर पब्लिक को वर्दी से डर लगता है तो हम सादे वर्दी में पुलिस तैनात करेंगे, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। हम आपसे आम पब्लिक की तरह मिलने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर त्रिपुरारी पांडे समेत थाने में तैनात सभी निरीक्षक व उप निरीक्षक मौजूद रहे। तो सर क्या कर रहा था आज यहाँ पे बैठक उन्होंने आयोजित की, जिसमें कि हमारे नागरिकों के साथ बैठकर तीन चार वर्ष हुआ, बहुत सी समस्याएं हैं और नागरिक नगर पालिका थाना पुलिस करके योजना बनाए हल करें। मूल रूप से सारी समस्याएं अव्यवस्था को लेकर के हैं और हम लोग अपने जीवन को अगर व्यवस्थित कर लेते हैं, घर से बाहर निकलें, हमको ट्रैफिक ठीक मिले, हमको बाजार व्यवस्थित मिले तो अच्छा लगता है। सर जैसे अपने घर को अंदर व्यवस्थित रखते हैं, तरीके से जो सार्वजनिक स्थान है उसको भी व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो बाहर से नहीं आया, उसके अच्छे निर्णय हुए और उसके कार्रवाई।